हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो पर मैंने बनाया एक 350 वाट इन्वर्टर और फ्रेंड्स इसे मैंने पुराने यूपीएस से बनाया है। तो इस यूपीएस के साथ से आप अपने घर के लिए एक अच्छा खासा इन्वर्टर सेटअप बना सकते हो। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। तो इसे कैसे बनाते हैं सारा प्रोसेस वीडियो पर दिखाया, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। सबसे पहले फ्रेंड्स हमें चाहिए एक पुराना यूपीएस और फ्रेंड्स मैंने इसे कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप से ले आया और ये 600 VA का है। तो यहाँ पर एक ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच है और यहाँ पर कुछ इंडिकेटर है बैटरी चार्जिंग वगैरह ओवरलोड के लिए। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने होल कर दिया और इसके पीछे के साइड पे 3 सॉकेट है, तो इससे हम लोड लेंगे आउटपुट के। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स ये 360 वाट का लिखा है, तो हम 350 वाट तक का लोड इजीली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके पीछे की तरफ जो स्क्रू है उसे पहले खोल लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने खोल लिया, तो चलिए अभी इसे ओपन कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर में कुछ इस प्रकार का सर्किट है, बहुत सारा रिले है, ट्रांसफार्मर है। और देखिए फ्रेंड्स ये है इसका बैटरी का वायर। बेसिकली फ्रेंड्स इसमें सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, सिंपली इसका जो बैटरी है वो ख़राब हो जाता है। और फ्रेंड्स इस साइड पे एक 12V 7A का बैटरी भी रहता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए वायर। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पर 6 mm का एक वायर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस इन्वर्टर से 350 वाट का लोड लेना चाहता हूँ, तो आप ज़्यादा मोटा ही वायर यूज़ करना। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टर क्लिप ले रहा हूँ, ये है इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। और फ्रेंड्स वायर को हम इसके साथ होल्डिंग कर लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने वायर को क्लिप के साथ होल्डिंग कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो बैटरी का वायर है, तो इस वायर को हम कनेक्टर को वायर के साथ सोल्डिंग करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने वायर को सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स इन दोनों वायर को हम टेप से कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वायर को कुछ इस प्रकार से साइड से लेंगे और इसका ऊपर का जो ढक्कन है इसे हम इस प्रकार से फिक्स कर लेंगे और स्क्रू को भी कस लेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स हमारा इन्वर्टर सेटअप बन के तैयार हो गया है। और फ्रेंड्स इसे पावर देने के लिए मैं एक 12V 7A का बैटरी ले रहा हूँ और एक बाइक का बैटरी ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस दोनों बैटरी को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे कार का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो और 150 Ah का भी बैटरी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका क्लिप को कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कनेक्ट कर दिया, तो चलिए अभी इससे लोड लेंगे। मैं यहाँ पर दो LED बल्ब ले रहा हूँ, एक है 12 वाट का और एक है 9 वाट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 21 वाट का मैं यहाँ पर लोड ले रहा हूँ। तो चलिए इन दोनों बल्ब का जो वायर है इसे हम इसके जो सॉकेट है इसके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर दिया। तो चलिए अभी इसके ऑन करते हैं। और देख सकते हो फ्रेंड्स यह है इसे बैटरी का चार्ज करने के लिए। तो चलिए मैं इसे अभी ऑन करूँगा। तो ये ऑन हो गया है और बैटरी पर चल रहा है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स बल्ब जो है काफ़ी अच्छी तरीके से जल रहा है। और इससे ज़्यादा वाट का आप लोड लेना चाहते हैं तो आपको बड़ा बैटरी यूज़ करना है। आप कार का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो और 150 Ah का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो। और फ्रेंड्स इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका जो प्लग है इसे हम AC बोर्ड पर कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो फ्रेंड्स ये ग्रीन LED जल रहा है, तो ये अभी चार्जिंग हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस UPS के साथ से आप अच्छे खासे एक इन्वर्टर सेटअप बना सकते हो बहुत ही कम खर्च में। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।